तो मित्रों आज हम बात करेंगे नेत्र विचार के विषय में। नेत्र विचार यानी कि आप निशांत होंगे या फिर जन्मांध होंगे या फिर एक आंख से काने होंगे, इस विषय में ज्योतिष शास्त्र में दूसरे घर को लेकर के बहुत ही स्पष्ट बतलाया गया है। इस विषय में आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा और धनेश यानी कि दूसरे घर का मालिक अगर एक साथ किसी भी घर में तीनों बैठे हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक निशांत होता है, अर्थात रात्रि में उसे दिखाई नहीं पड़ता है। अगर सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य की सन्निधि में आने पर कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो शुक्र और लग्नेश अगर ये दोनों अस्त हो सूर्य की वजह से तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के दाहिनी आंख में समस्या होती है, दाहिनी आंख से इसको दिखाई नहीं पड़ता है। और शुक्र यदि आपकी कुंडली में पांचवें घर के मालिक के साथ तथा छठे घर के मालिक के साथ में अगर लग्न में ही बैठा हो तो ऐसे जातक का 21वें वर्ष की उम्र में ही आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, धनेश से बहुत कुछ जान सकते हैं आप लोगों को। मैं धीरे धीरे सारी बातें धनेश के विषय में बतला चुका हूं और बतला रहा हूं। कोई भी संशय हो तो आप हमारे लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर के सलाह ले सकते हैं अपनी कुंडली पर।